तो आज हम इधर श्रीनगर में आए हैं, बहुत अच्छा लगाएगा। जैसे ही एयरपोर्ट उतरे, उतर से आके आगे आगे जैसे चल रहे थे, तो जो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये लगी है कि सारे रास्ते में सफाई बहुत थी, तो बहुत ही साफ सुथरा मतलब लगा सारा। तो फिर जैसे जैसे आगे हम आते गए इस जगह पर, तो हमारी बस तमन्ना तो यही थी कि बहुत लोग इस एरिया के, श्रीनगर के, जम्मू कश्मीर के, अमृतसर आते हैं, हमें दिखाने आते हैं। तो हम भी मतलब बहुत समय से उधर न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, ये सारा हमारा जो उपल हॉस्पिटल है उसमें बहुत इधर से आते हैं गए, चाहे आप रजौरी ले लो, पुंछ ले लो, पुलवाना ले लो, कहीं ले लो, बहुत जगह से आते थे। तो हमारी तमन्ना थी कि क्यों ना हम एक यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि बजाय कि इन सबको वहाँ जाना पड़े, चलो हफ्ते में या 15 दिन में कोई एक दिन हम फिक कर लेंगे, लेकिन आज जो हमारा था कि आज तो हम फ्री कैंप लगाना चाहते थे, इसलिए जो भी कोई दिखाना चाहते हैं उसमें फ्री हम उसको चेकअप और मेडिसिन और भी जो कुछ हो सकता है वो सब हम कर रहे हैं। तो आपको पता ही है कि ये जो न्यूरोलॉजी है, न्यूरोसर्जरी है, इसकी डे बाय डे मतलब पेशेंट की बढ़ती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है। उसमें कारण तो यही है कि एक तो जो अगर ब्रेन की चीज़ें ली जाए, जैसे एपिलेप्सी ये है, वो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के साथ वो चीज़ें हो जाती हैं, और जो एनवायरनमेंट है या जो ऊपर नीचे मतलब ये वो जो डॉक्टरली ये जो स्पाइन की मतलब इस एरिया में ये क्यों ऐसी मतलब इतनी ज़्यादा हो जाती है, स्पाइन का मतलब क्यों ज़्यादा लोग स्पाइन के साथ सफ़र होते हैं? बहुत लोग देखे गए हैं श्रीनगर, जम्मू, थोड़े एक तो पहाड़ी इलाका है, दूसरा बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं यहाँ पे, हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा है, लेडीज़ बहुत हार्ड वर्किंग है, जेंट्स बहुत हार्ड वर्किंग है, तो उसके कारण डॉक्टर अशोक उप्पल का यही, इनके सवाल का यही जवाब है कि हार्ड वर्किंग के कारण डिस्क प्रोलैप्स, डिस्क बल्ज ज़्यादा कॉमन होने के चांसेस हैं श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के इलाके में। मतलब आपने देखे पेशेंट्स तो कॉमन क्या? पीठ दर्द जो लातों तक जा रही है, पैर तक जा रही है, कुछ लोग हैं जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है और भगवान की दया से हम उनको अपने सेंटर अमृतसर में बुलाएंगे और उनका ऑपरेशन करेंगे, वहाँ पे सक्सेसफुल ऑपरेशन करेंगे, और ताकि वो जो अपने दर्द से जूझ रहे हैं उनकी दर्द भी ठीक होए। डॉक्टर साहब, इस बीच आपने कितने सारे यंगस्टर्स को, कितने माइनर्स को जो है डिमेनिशिया, माइग्रेन या ऐसी चीज़ों को जो है अभी तक काउंटर किया, कितने पेशेंट्स आपने? ये डॉक्टर, ये डॉक्टर डॉक्टर सलल है, ही इज़ ए न्यूरोलॉजिस्ट, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर ये दे। यंगस्टर्स में काफ़ी ज़्यादा ये जो हेडेक है, माइग्रेन है, काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। जो फिलहाल तक अभी भी देखे हैं पेशेंट्स, उसमें यंगस्टर्स में काफ़ी ज़्यादा पेन है, और माइग्रेन के साथ साथ यही लक्षण आ जाते हैं, जैसे कि एक साइड पे दर्द होना, स्पेशली यहाँ पे साइड पे शुरू होना, साथ में जी कच्चा होना या उल्टी आने को होना या चक्कर आना, धूप में जाने से सिर दर्द बढ़ना या सफ़र करने के टाइम पर दर्द होना, सो ऐसे काफ़ी सिम्टम्स यंगस्टर्स में देखे गए हैं। और बाकी जो डिमेंशिया की बात करें, डिमेंशिया यंगस्टर्स में अभी फिर भी कम है, बट यहाँ पे जो भी पेशेंट जो 50 अबव वाले हैं उनमें थोड़ा डिमेंशिया, जिसको हम याददाश्त की दिक्कत कहते हैं, याददाश्त भूलने की, वो काफ़ी पेशेंट। और आपने क्या विटनेस किया कि कश्मीर के जो पेशेंट्स हैं इनमें अवेयरनेस की कमी है? कश्मीर में एज सच काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं अभी तक मैंने देखे हैं यहाँ पे, मतलब वेल एजुकेटेड, वेरी पोलाइट, वेरी डिसेंट लोग, दिल के साफ, मुंह में मिठास है, वो सॉफ्ट स्पोकन है, सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ही मिठास है, बड़े आदर से बुलाते हैं, और उनको देखा जाए तो उनको अवेयरनेस है, उनको अपनी बीमारी के बारे में पता है। जैसे कभी 2-3 पेशेंट जो आए, उन्होंने सीधे बोला, जो आपने मेरे से सुना, मेरे को माइग्रेन है या मुझे स्पाइन की प्रॉब्लम आ रही है, मेरे रेडिकुलोपैथी है। सो एजुकेटेड लोग हैं, अवेयरनेस है, बस उनकी अवेयरनेस को
एक राइट चैनल, एक राइट दिशा देनी है जिसके लिए हम उठ के यहाँ आए हैं, उनकी सेवा कर। बिल्कुल राइट दिशा देते हुए उनका अच्छी तरह मतलब कि हम एनालाइज करते हुए भी इसको ये प्रॉब्लम है उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट करेंगे। वैसे आपके श्रीनगर में बहुत अच्छे अच्छे लर्नड डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज है, वो बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम तो उसके साथ वो कहते हैं ना सोने पर सुहागा कर देंगे। तो अब जैसे हेडेक है ना, हेडेक का मैं जो देखा हैगा कि थोड़े पेशेंट देखे और पहले भी सुना हैगा, पहले भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, ये जो ऐसे एरिया होते हैं ना उसमें थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी होती है एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स। जैसे जैसे हम ऊपर चलते हैं जाते हैं ना तैसे तैसे थोड़ी सी ऑक्सीजन कम होती है, और ऑक्सीजन जब भी कम होती है तो ये हेडेक चाहे माइग्रेन हो चाहे दूसरी हेडेक वो बढ़ जाती है। लेकिन ये जो लोग यहाँ रहते हैं ना वो यूज टू हो जाते हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता। अब जैसे हमारे जैसे आए तो उनको शायद हो सकती है किया या और कोई, तो जो लोग रहते हैं उनको इतनी दिक्कत नहीं होती है कि। हाँ आज तो हमने कैंप लगाया, फ्री कैंप लगाया गया, लेकिन आने वाले टाइम में हम जल्दी अपनी इस क्लिनिक की इनॉग्रेशन करेंगे और इंशाल्लाह आप फिर आओगे और फिर हम ऐसे ही रूबरू होएंगे, हैं तो फिर आगे चलेंगे फिर, हैं।